पश्चिम रेलवे भारतीय रेल की अग्रणी रेलवे है। इसका अतीत बहुत गौरवशाली है। 1855 में बॉम्बे बरोड़ा एंड सेंट्रल इंडिया कंपनी का जन्म गुजरात में अंकलेश्वर से उत्तराण तक 29 मील ब्रॉड गेज ट्रैक के निर्माण के साथ हुआ। पहली नैरो गेज लाइन मियागाम और दभोई के बीच 1862 में बिछाई गई। कपास के फलते फूलते व्यापार के कारण गुजरात से मुंबई तक रेलवे लाइन की जरूरत महसूस हुई। 28 नवंबर 1864 को मुंबई में वेस्टर्न लाइन पर पहली ट्रेन गुजरात से ग्रांट रोड स्टेशन पहुंची। इस प्रकार गुजरात के साथ बॉम्बे की सीधी कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत हुई। फोर्ट और कोलाबा के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस लाइन को मरीन लाइंस के निकट बैक बे तक बढ़ाया गया। बीबी एंड सीआई की स्टीम लोकल ट्रेन 12 अप्रैल 1867 को विरार और बैक बे के बीच प्रत्येक दिशा में एक ट्रेन के साथ शुरू की गई थी। 1870 से लेकर 1876 के बीच कई स्टेशन की शुरुआत की गई। चर्चगेट स्टेशन का उद्घाटन 1957 में हुआ। प्रारंभ में लोकल ट्रेनों को भाप के इंजनों द्वारा संचालित किया जाता था और इसमें तीन कोच ही होते थे। इलेक्ट्रिफिकेशन होने के साथ स्टीम इंजनों की जगह इलेक्ट्रिक ट्रेनें लेने लगी। इन ट्रेनों की लोकप्रियता में वृद्धि और बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए तीन कोच से शुरू हुई लोकल ट्रेनें 6, 9, 12 और 15 कोचों की हो गई। बीबी एंड सीआई रेलवे कंपनी के लिए 1920 के दशक में नई वास्तुकला के दो भवनों की योजना बनाई गई। इनमें से एक चर्च गेट में मुख्यालय भवन तो दूसरा बेलासिस रोड का नया टर्मिनल बॉम्बे सेंट्रल था। 1917 से 1921 के बीच रेल नेटवर्क के विस्तार के कारण रेलवे ट्रैकों के दोहरीकरण एवं चौहरीकरण के साथ ही कई मजबूत पुलों का निर्माण किया गया। पहली इलेक्ट्रिक लोकल ट्रेन सेवा का उद्घाटन 5 जनवरी 1928 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर सर लेस्ली विल्सन द्वारा किया गया। पश्चिम रेलवे अपने वर्तमान स्वरूप में 5 नवंबर 1951 को अपनी पूर्ववर्ती बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी के सौराष्ट्र राजपुताना और जयपुर जैसे अन्य स्टेट रेलवेज के विलय के फलस्वरूप आई। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रही पश्चिम रेलवे की इस विकास गाथा में रेल कर्मियों के कर्मठता का प्रमुख योगदान रहा, जिससे भारतीय रेलवे में हम कई क्षेत्रों में प्रथम रहे। समृद्ध अतीत वाली पश्चिम रेलवे स्वतंत्रता आंदोलन की वाहक रही, तो वहीं दूसरी ओर हमारी उपलब्धियों के सफर में गणमान्य व्यक्तियों का भी साथ और प्रोत्साहन मिला। पश्चिम रेलवे का अतीत जितना गौरवशाली है, भविष्य भी उतना ही उज्ज्वल भी है। गांधीनगर स्टेशन का आधुनिक स्वरूप में हो रहा पुनर्विकास, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रेल लाइन से जोड़ने हेतु केवड़िया स्टेशन का निर्माण, सेवा, गति, प्रगति और आधुनिकीकरण का 69 सालों का सफर जारी है, सतत, अनवरत और निरंतर।